आपके घर में कितने मेंबर, सात मेंबर है, सभी को आप, सभी को आप बोलेंगे आप किसी भी वोट देते हैं, आप भी वोट देते हैं, तब तक पूरी सरकार सारे लोग तंत्र अच्छा नहीं हो तब तक आप कांग्रेस को वोट देते हैं, चालू गाँव में हरा के बैठता है, बंदों कौन बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा, घर में पढ़ाई लिखाई नहीं है इसके लिए उसका पर्चा ही नहीं बना, पर्चा ही नहीं बना सरकार की तरफ से, जो पैसा मिला 1500 रुपए वो भी नहीं आ रहा सरकार की तरफ से, अभी तक कितनी योजनाओं का लाभ मिला घर में, कितने मेंबर है किसी को लाभ नहीं मिला, राशन कार्ड के अलावा दूसरी कोई योजना का लाभ मिला, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर द खबरदार न्यूज की चुनावी यात्रा शुरू है और इस चुनावी यात्रा में हम लोगों से उनकी समस्याओं और उनकी आवाज़ को जनता और नेताओं तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं और इसी क्रम में जब द खबरदार न्यूज की टीम महाकाल नगरी उज्जैन में लोगों से बात करने पहुंची तो वहाँ के लोगों ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। हम इस बार उज्जैन की टावर चौपाटी पर है जहाँ पर आज ठेला लगाने वाले, फल फ्रूट का धंधा करने वाले एक भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में इनको क्या, उनकी उम्मीदें हैं सरकार से, पिछली सरकार ने इनको कितनी योजनाओं का लाभ दिया है, आइए जानते हैं आम जनता, आम व्यक्ति की राय। भाई साहब आपका नाम क्या है? दीपक जी। दीपक जी कब से आप ये धंधा कर रहे हैं? दो तीन साल। आप कब से अभी वोट डालते हैं? अभी दो साल से डालने लगे। दो साल से अभी सरकार की किन किन योजनाओं का लाभ अभी तक आपको मिला? तो भाजपा वही वोट दिया आपने, बीजेपी की कौन कौन सी योजनाओं का लाभ अभी तक मिला? लाभ तो अभी तो कोई पर्चा नहीं बना। बीजेपी की तरफ से अभी अनिल गिरोदिया जी जो सांसद थे अभी वापस उन्हीं को टिकट मिला है, अब आप वोट किसे देना चाहेंगे? किस तरह का फायदा चाहते हैं आप? किस तरह का फायदा चाहते हैं? तो जाते हैं कि और आगे बढ़ जाए, मिले कोई और दुकानदारी को, मतलब आपको समय समय पर नगर निगम वाले आते हैं, ठेला वाले आते हैं? हाँ, बार बार अड्डा भी जाते हैं, पीछे लोग पीछे लोग बार बार लगाना। सरकार से क्या चाहते हैं? क्या आपको सुधार की परेशानी ना हो? दुकान चाहिए, घर में कितने लोग हैं? आप एक पूरा घर चलाते हैं? अकेले पूरा घर चलाते हैं आप? तो आप बड़ी मेहनत करते हैं मतलब आप, और पूरा एक ही व्यापार से पूरे पांच लोगों का भरण पोषण करते हैं आप सर, और सभी को कुछ योजनाओं का लाभ मिल रहा है घर में? घर में पढ़ाई लिखे नहीं है इसके लिए किसी का पर्चा ही नहीं बना, पर्चा ही नहीं बना सरकार की तरफ से, जो पैसा मिला 1500 रुपए वो भी नहीं आ रहा, किसी को नहीं आ रहा। तो भैया के अभी लाडली बहना से लेके किसी भी योजनाओं का लाभ भाई साहब के घर पे नहीं मिल रहा है, ये चाहते हैं कि ठेला लगाते हैं, समय समय पर अतिक्रमण वाले आते हैं ठेला हटा देते हैं नगर निगम वाले, इनको कोई स्थायी दुकान दी जाए, घर में योजनाओं का लाभ दिया जाए, लेकिन इस बार भी वोट आप देना किसे चाहेंगे? अभी जो माहौल है, अभी तक माहौल देख के तो सरकार बदलनी पड़ेगी। आपको लगता है कि अगर अभी तक योजना का लाभ आप इस बार आप सरकार बदलना चाहेंगे? हाँ, बदलना चाहेंगे, क्योंकि हर बार मतलब अपने उसके लिए 200 रुपये नहीं, तो अब ये योजनाओं का लाभ नहीं मिला तो ये सरकार बदलने की उम्मीद रखते हैं भाई साहब। दुकान पर जी हाँ, चाय पे चर्चा भी कर लेते हैं, चाय की दुकान संचालक हमारे साथ है, इनकी एक छोटी सी चाय की दुकान है उज्जैन के बीच में टावर चौराहे पर है ये, आइए जानते हैं कि उज्जैन में क्या माहौल है, चुनावी माहौल। भाई साहब आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। विराट जी, कब से ये दुकान संचालित कर रहे हैं आप? 31 साल से। 31 साल हो गए, इस बार चुनाव में क्या माहौल है? मोदी जी आना चाहिए। अभी तक आप किसे वोट देते आए? बीजेपी के सरकार। और अभी अनिल गिरोदिया जी जो सांसद थे वापस से उन्हें टिकट मिला है, इस बार आप किसे देखते? जुड़े हुए आप उन्हीं को वोट देंगे। शासन की कितनी योजनाओं का लाभ अभी तक आपको मिला है? आपको और इस बार बोल रहे हैं मोदी जी तो 400 से ऊपर ही जाना है देश को, मोदी जी की जरूरत है मतलब और उज्जैन को देखें अगर तो उज्जैन में इतने विकास कार्य हो रहे हैं ये सब मोदी जी मिला, मोदी जी के कारण हो रहा है, और आप खुद चाहते हैं कि उज्जैन में उज्जैन में फिरोजिया जी आएंगे?
उज्जैन में महेश परमार जी को भी टिकट मिला है, जो कि उज्जैन से चुनाव लड़ रहे हैं। काफी दमंग नेता है, काफी जागरूक नेता है, कांग्रेस से टिकट दिया है उन्हें। उनको कैसे देखते हैं आप? वो जागरूक है तो एक से होने से क्या होता है, उसमें कोई ऐसा पहले रही नहीं है कि तो मतलब संभाल सकते। अब एक ये दोषण थोड़ी चलेगी सरकार तो पूरी उससे जलना होता है। जब तक पूरी सरकार सारे लोग तंत्र अच्छा नहीं हो तब तक आप कांग्रेस को वोट देंगे? कोई सवाल नहीं उठता, चालू नाव में हरा के बैठता है, बंद में कौन बैठेगा, कोई भी नहीं बैठेगा। आपके घर में कितने बैठे परिवार के अंदर सब घर में 50 है, तो आप मेरी दुकान से सबका सच्चा है काफ़ी सबसे अलग अलग है। भाई हम हमारे परिवार सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलता है सभी वालों को, धक्का नहीं सकता। धन्यवाद। हमारे साथ एक और व्यापारी हैं जो हाट ठेला लगाते हैं, फल फ्रूट का ठेला लगा रहे हैं यहाँ पर और कई वर्षों से लगाते हैं। चुनावी माहौल में इस बार ये किसे वोट देना चाहेंगे और इनको कितने शासन की योजनाओं का लाभ मिला, आइए जानते हैं। आपके घर में कितने मेंबर हैं? सात मेंबर हैं और आप भी ठेला लगाकर सबका भरण पोषण करते हैं सभी का। सरकार की तरफ से अभी तक कितनी योजनाओं का लाभ मिला आपको? घर में कितने मेंबर हैं, किसी को लाभ नहीं देगा? राशन कार्ड के अलावा दूसरी कोई योजना का लाभ देगा? अब आप किसे वोट देना चाहेंगे? वोट तो भाजपा को देंगे। उस बार अनिल खरोजिया जी वापस से सांसद बनने के लिए खड़े हुए हैं, वोट आप किसे देना चाहेंगे? आप देंगे तो आप और उनसे क्या आशा रखते हैं? आपको आपको स्थायी जगह चाहिए और क्या क्या परेशानी क्या क्या आती है? नगर निगम तो छुड़ा के लाए अभी अलावा आप तो निगम बार बार ले जाते हैं और आप क्या चाहते हैं प्रशासन? स्थायी कराया जाए, लेकिन इस बार वोट आप भाजपा को ही देंगे? वही कर सकती है। अच्छा, आपके घर में कितने मेंबर? सात मेंबर है। सभी को आप बोलेंगे बीजेपी में वोट देते हैं? इसी प्रकार की बातचीत आगे भी जारी रहेंगे, आप देखते रहिए द खबरदार न्यूज़ के लिए नीलेश मालविया की। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा।